और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार को वजीर आजम यूथ प्रोग्राम का चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी भी दे दी है। उस्मान डार का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम के तहत लैपटॉप स्कीम समेत तमाम प्रोग्राम्स का जायजा लिया जाएगा और ऑडिट करके करप्शन को बेनकाब किया जाएगा। तो आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार को वजीर आजम यूथ प्रोग्राम का चेयरमैन तैनात कर दिया गया है और वजीर आजम पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यूथ प्रोग्राम की जिम्मेदारी देने पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और पाकिस्तान के नौजवानों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह मुझे हदायत की है कि हमने पाकिस्तान के नौजवानों को बाख्तियार बनाना है और बहुत जल्द एक नेशनल यूथ पॉलिसी का रोड मैप जो है पाकिस्तान के नौजवानों के सामने रखना है और उसके साथ साथ गुज़श्ता हुकूमत में जब मरियम नवाज़ साहिबा चेयरपर्सन थी और एक लैपटॉप स्कीम में जो कि अरबों रुपये की लैपटॉप स्कीम थी उसमें महंगे दामों जो लैपटॉप लिए गए उसका भी बाकायदा ऑडिट करवाया जाएगा।